ओम शांति। आज 21 जून 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं, साथ साथ आज इंटरनेशनल योगा डे है। आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हम योग का महत्व समझते हुए सबसे पहले अपने मन के स्वास्थ्य के लिए राजयोग का बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, शक्तिशाली योग करेंगे। अपने तन के स्वास्थ्य के लिए फिजिकल योगा को भी स्थान देंगे, क्योंकि तन ठीक होगा तभी आप मन से शिव बाबा को याद कर सकेंगे। तन के लिए सैर करना, एक्सरसाइज करना, वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि 80% रोग मन की नेगेटिव सोच से होते हैं। तो मन के स्वास्थ्य के लिए हम पावरफुल योग ज़रूर करेंगे, और अपने संबंधों में भी बहुत सरल चित रहना, ये भी एक योग है। क्योंकि ये योग न केवल बैठ करके करने का है, बल्कि ये योगी जीवन है। हमारे हर कर्म में कर्म योग शामिल हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता में इस कर्म योग का बहुत सुंदर वर्णन है, जिससे हमारे कर्मों में कुशलता आती है। तो आज के दिन हम विशेष योग अभ्यास करके योग की सुखद अनुभूतियाँ करेंगे ही। आज वैसे भी हर मास के तीसरे रविवार इस विद्यालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग का विशेष आयोजन किया जाता है, संध्या काल में 6:30 से 7:30, वो भी हम अवश्य करेंगे। ये योग इस विद्यालय के द्वारा बहुत लंबे काल से तीसरे रविवार को होता है, जो भारत और विदेश के सभी भाई बहनें विश्व शांति के लिए करते हैं। चाहे कोई कहीं भी हो, लेकिन इस समय पर अपने कार्यों को विराम देकर हम पूरे विश्व के लिए मंगल कामनाएं करते हैं, और पूरे विश्व को शांति की, शक्ति की सकाश देते हैं। ये हम ज़रूर करेंगे। और आज अव्यक्त महावाक्यों में बहुत सुंदर बात बाबा ने हम सबको समझाई कि आपके मन में गोल्डन जुबली में कौन सा गोल्डन थॉट रहना चाहिए। बाबा ने बच्चों को बड़े प्यार से मुलाकात की और अपने भाग्य को, बच्चों के भाग्य को अच्छे से एहसास कराया कि बच्चे भी बहुत भाग्यवान हैं। और बाबा ने कहा कि बाबा भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं कि मेरा एक एक बच्चा अति भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि हम सबने बाबा को पहचान लिया। परमात्मा को पहचान लेना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। बहुत से लोग पहचान नहीं पाते और वो इतना अच्छे से प्रभु का ध्यान भी नहीं करते हैं। हम सब ने पहचाना है तो हमारा परम सौभाग्य है। तो इसमें बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि आपके मन में गोल्डन थॉट हमेशा रहना चाहिए। भविष्य, नई दुनिया कब आएगी? जब आपके विचारों के अंदर बहुत अच्छी गोल्डन स्टेज होगी। मन की गोल्डन स्टेज क्या है? एक गोल्डन थॉट कि कोई कैसा भी है, कैसा भी है, आपकी भावनाएं खराब नहीं होनी चाहिए। आपके मन में और उनको मान देने की कला होनी चाहिए। कोई आपको सम्मान दे या ना दे, आपको देना है। कभी कभी हम कहते कि ये मुझे दे तो ही मैं दूना, तो बाबा ने कहा ये तो भिखारीपन है, रॉयल भिखारीपन है। रॉयल भिखारी मतलब भिखारी आता है तो नज़र आता है, वो मांगने आ गया, उसके हाथ में कुछ बर्तन है। लेकिन हम लोग एक दूसरे से जो मान सम्मान की कामना करते हैं, तो बाबा ने कहा ये भी भिखारीपन है। आप बच्चों को इस तरह से किसी से कामना नहीं करनी है, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो, रत्नागर के बच्चे हो, तो आपको सदा सबको देते जाना है, देते जाना है। आप किसी के लिए भी कोई भी गलत भावनाएं नहीं रख सकते। फिर बाबा ने संस्कार मिलाने की बड़ी सुंदर बात कही कि कहीं भी आप रहते हैं तो संस्कार मिलन की रास करो। नेचर तो सबकी अलग अलग होती है, विचार भी सबके अलग अलग होते हैं, पर उसे मिलाने के लिए एक बहुत सुंदर गुण चाहिए, और वो गुण है इजी नेचर, सरलता। क्या होती है सरलता?
सरलता का मतलब अंदर बाहर एक जैसा रहना। सरलता का मतलब जो बड़ी बात को छोटा कर सके, छोटी बात को समाप्त कर सके। जो लोग सरल होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों को कहीं कहीं मालिक बनना है, कहीं बालक बन जाना। आपसे कोई राय पूछी जाए तो मालिक बन के राय दो, अगर नहीं माना जाए तो बालक बन जाओ। अपनी राय से चिपक नहीं जाना, ये संस्कार मिलन की सुंदर रास हर एक को करते रहना है। कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति को अपसेट नहीं होने देना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। जितना हम समझते जाएंगे उतना कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होते जाएंगे। साथ साथ बाबा ने ईश्वरी रॉयल्टी क्या है, बहुत ही सुंदर बात है, उसमें हम ध्यान से सुनेंगे कि ईश्वरीय रॉयल्टी क्या है। कि किसी की भी अवगुण देखने वाला जो नेत्र है आपका वो बंद रहे। आप एक दो की विशेषताएं देखो, विशेषताएं वर्णन करो, स्नेह और सहयोग के पुष्पों की वर्षा करो। अगर आप अवगुण वर्णन करते रहेंगे तो ये रॉयल्टी नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं तो हमें क्या करना है, गुणों की लेन देन करनी है। तो आज हम सब करेंगे, जिससे भी मिलेंगे उसकी विशेषता देखेंगे और उनको कहेंगे कि आपकी ये विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रभु का धन्यवाद जो उन्होंने आपको इतनी अच्छी विशेषता दी। सार है मुरली का, गोल्डन जुबली का, गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पद्म भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा हम सबके श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा बच्चों के मस्तक में सितारा देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। आप चित्र बनाते जाएंगे अपने मन में ताकि मुरली याद भी हो जाए और आपका अनुभव भी बढ़ता जाए। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सब बच्चे भाग्यवान हों। पूरे कल्प में, पूरे 5000 वर्ष में कोई भी पिता ऐसा नहीं हो सकता जिसके इतने बच्चे भाग्यवान हों। नंबर वार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सब बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाबा का हर बच्चा, चाहे वो लास्ट मन का ही क्यों ना हो, वो भी भाग्यवान है क्योंकि उसने बाबा को पहचान लिया। बाप दादा भी सदा वह मेरे भाग्यवान बच्चे, वह एक की लगन में रहने वाले बच्चे ये गीत गाते हैं। बाबा कौन सा गीत गाते हैं, सुनना है आज बाबा का गीत। वह मेरे भाग्यवान बच्चे, वह मेरे लगन में मगन रहने वाले बच्चे। बाप दादा आज विशेष सब बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषता के मुबारक दे रहे हैं। बच्चों के मन में जो स्नेह है, साहस है, उसकी मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने यथा योग स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। हर एक बच्चा यही चाहता है कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूं, उनके समान बनकर अपने जीवन के गुणों से बाबा को प्रत्यक्ष करूं। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। ये कार्य के खुशी के मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। सभी सम्मुख आने वाले बच्चे, चाहे दूर बैठे हैं, अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। दूर बैठे भी अगर शुभ भावनाएं रख रहे हैं तो ये बच्चे सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता मूर्त भव, हर कार्य में संपन्न भव, प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी को बाबा वरदान दे रहे हैं। जो भी बच्चे बाबा के कार्य में मददगार हैं, सदा सफलता मूर्त भव, हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सबके स्व परिवर्तन की, सेवा में और भी आगे बढ़ने की उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाबा ने सुनी। मन ही मन बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम अपने आप को बदलेंगे, सेवाओं में नवीनता लाएंगे। वो सब बाबा ने सुनाया था। बाप दादा के पास
आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आपके पास भी टीवी है, बाबा के पास जो टीवी है वो बहुत ही पावरफुल है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, बाप दादा मन के संकल्प भी देख सकते हैं। आपकी जो टीवी है उसमें तो शरीर की एक्टिंग नज़र आती है, बाबा के पास जो टीवी है तो उसमें हमारे मन की एक्ट दिखाई देती है, मन के संकल्प दिखाई देते हैं। जो भी हर एक ने पार्ट बचाया, सब संकल्प सहित मन की गतिविधि, तन की गतिविधि दोनों ही देखी। क्या देखा? आज तो मुबारक देने आए हैं और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा साथ में सब आपके सेवा साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई, हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी भी बाबा को प्रत्यक्ष करें, अभी अभी विश्व में आवाज़ फैल जाए, ये उमंग उत्साह सब में था। हर एक के मन में एक उत्साह है कि हमें बाबा मिला, हमने बाबा को पहचाना, अब हम बाकी भाई बहनों को भी बाबा की पहचान दें, बाबा की मुलाकात कराएं, सब बाबा को पहचाने, चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में ये संकल्प खुशी से बहुत अच्छा रहा। बाप दादा खुशी और निस्वार्थ सेवा का सब बच्चे अनुभव करके गए, ऐसे बाप दादा ने सुना। जो भी आए उनको क्या लगा कि यहाँ निस्वार्थ प्यार है, सबसे खुशी मिलती है, ऐसा सब अनुभव करके गए। इस गोल्डन जुबली में क्या गोल्डन थॉट क्रिएट करेंगे? आप ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप बाबा कहते क्योंकि विद्यालय की गोल्डन जुबली मना रहे हो, तो आप गोल्डन जुबली में क्या विशेष कार्य करेंगे? देखने वाले, सुनने वाले, सब लोग देखना चाहते हैं। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, यहाँ पर देखने का अर्थ है बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या श्रेष्ठ संकल्पों की आप वर्षा करेंगे? आपका हर संकल्प गोल्डन हो, हर सेकंड गोल्डन हो, आप क्या नवीनता लाएंगे? इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं इतना सुंदर, तो आपका हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरे पुष्पों की वर्षा करते रहो। कोई कैसा भी है पर आपके मन में उसकी परफेक्ट स्टेज को याद करते हुए, उसके संपूर्ण स्टेज को याद करते हुए स्नेह की वर्षा होती रहे। चाहे दुश्मन भी हो लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। स्नेह की वर्षा मतलब आपके मन में शुभ भावनाएं हैं तो आपके मन में दुश्मन के प्रति भी शुभ भाव रहेंगे कि किसी तरह इसका भी कल्याण हो, बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना। चाहे कोई आपको मान दे या ना दे लेकिन आप सदा स्वमान में रह के औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ध्यान देंगे बाबा के शब्दों पर कि अगर आप स्वमान में हैं तो ही आप मान दे सकते हैं, अगर आप सेल्फ एस्टीम में नहीं हैं तो आपकी इच्छा रहेगी कि ये दे तो मैं दूं, वो तो बिजनेस हो जाएगा। आप अगर स्वमान में कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ तो हम सबको मान देते चलेंगे, वो माने या ना माने, लेकिन आप सबको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वो ना माने आप तो मान सकते हो ना, कोई कहते सामने वाला तो नहीं मानता, ना माने बाबा कहते आप तो मान सकते हो ना, आपका लक्ष्य तो स्वयं का परिवर्तन है, स्वयं की संतुष्टता है, तो आप तो कर सकते हो। वो माने ना माने आपको उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो, वो ना माने आप तो मान दे सकते हो ना। वह पत्थर फेंके आप रतन दो, आप भी पत्थर मत फेंको क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। किसके बच्चे हम? रत्नागर के। शिव बाबा हम सबको ज्ञान रत्न देते हैं तो हम सब रत्नागर के बच्चे हैं। रत्नों के खान के मालिक हो, मल्टी मल्टी मिलियनर हो, भिखारी नहीं हो जो सोचो कि वो दे तो ही मैं दूं, ये भिखारी के संस्कार होते हैं, कोई दे तो मैं दूं। दाता के बच्चे कभी भी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर बाबा किसी स्थूल चीज की बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई मुझे सम्मान दे तो ही मैं सम्मान दूँ, कोई मुझसे प्यार से बोले तो ही मैं बोलूँ, लेकिन हम सब रत्नागर के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं,
हमें सदा सबको देना है। बुद्धि से भी ये संकल्प करना कि ये करे तो मैं करूं, ये स्नेह दे तो मैं दूं, ये मान दे तो मैं दूं, ये भी हाथ फैलाना है। अगर आप कहते हो ये मान दे तो मैं दूं, ये भी हाथ फैलाना है, ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तब गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। आप भी शक्तिशाली बनो, अपनी शक्तिशाली वृत्ति से चारों ओर खुशी की लहर फैलाओ। बहुत सुंदर बात, सरल शब्दों में आपको अपने कर्तव्य पर अडिग रहना है। आपको तो अपना श्रेष्ठ कार्य करते रहना है, कोई वैसा करे या ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन आपको ये कार्य करना है। आत्मिक स्वरूप में टिक कर उनके लिए मान देते चलो, सम्मान देते चलो। अगर आप देते जाएंगे तो ये दातापन की स्थिति आपको शक्तिशाली बनाएगी। अगर आप कहते हो कोई दे तो मैं दूं, तो बाबा ने कहा ये रॉयल भिखारीपन है। अच्छा, खुशी की टोली खिलाओ, दिल खुश मिठाई होती है ना। टोली शब्द आपके लिए नया है, ईश्वरीय प्रसाद को टोली कहा जाता है। जब ऐसा करेंगे तो बाबा हम सबको टोली खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, और वह है दिल खुश मिठाई। तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो मन से। कौन सी मिठाई बांटेंगे? दिल खुश। कोई मिले तो उसका भी दिल खुश हो जाए। उसके बाद बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि संस्कार मिलन की रास करो। कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ होता है। वैजयंती माला में भी चाहे 108 की माला का नंबर हो, दाना दाने से मिला होता है, तो सबको ये महसूस आए ये तो माला के समान पिरोए हुए मन के हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दें, उसके लिए एक दो के संस्कारों को जान, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, ये माला के दाने की विशेषता है। एक दो के स्नेह तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। सरल शब्दों में संस्कार तो अलग अलग होंगे, लेकिन हमें संस्कार मिलाने हैं उसके लिए बनना होगा इजी नेचर, मतलब अपनी बात पे अड़ नहीं जाना। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वही राइट है, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही होना चाहिए। ये जिद जिसमें जितनी ज़्यादा है वो उतना ही दुखी होता रहता है। जैसे आप प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आप कई बार श्वास अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसे मन को भी फ्लेक्सिबल बनाना है, बातों को छोड़ देना चाहिए, पकड़ के नहीं रखना है। तो ये है सरलता, इजी नेचर। इसके साथ साथ अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है, जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति अच्छी नहीं रहती। कहीं को लगता है प्रेज या अप्रिशिएशन मिल रहा है इसका मतलब ठीक है, नहीं मिल रहा तो स्थिति खराब हो जाती है। निंदा होती है तो धनी को भूल के निधन के बन जाते हो, फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। ये बातें माला से बाहर कर देती हैं। हमारी स्थिति किसी स्तुति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। कोई हमारी स्तुति कर रहा है तो हमें प्रभु को अर्पण कर देना है। मत स्वीकार कीजिए स्तुति को, नहीं तो निंदा करने की, निंदा को स्वीकार करने की, सहन करने की ताकत कम हो जाएगी। कोई भी निंदा करता है या स्तुति करता है, दोनों ही प्रभु को अर्पण कर दें। अगर हमारी स्थिति स्तुति के आधार पर है तो हम कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक होकर चलना है वहाँ बालक नहीं बन जाना, जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बन जाना। मालिक बनना कहाँ पर है? जहाँ पर कोई हमसे राय पूछी जाए तो मालिक बन के राय दो, फिर हमें बालक बन जाना है। जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पे चलना है। मालिक बनकर राय दो फिर बालक बन जाओ, तो आप टकराव से बच जाएंगे। साथ साथ संस्कार मिलन के लिए बहुत सुंदर बात, हरेक की विशेषता को देखो, स्वयं को विशेष आत्मा समझ, विशेषताओं से संपन्न बनो, सबके गुणों को देखो, एप्रिशिएट करो। वो मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाएं, इतने तक अपने को मिटा दो जो नेचर बदल जाए। हरेक की नेचर बदले
तब आप लोगों के अव्यक्त फीचर्स बनेंगे। जब हमारे पुराने संस्कार बदल जाएंगे तो बाबा कहते फीचर्स भी बदल जाएंगे। आपको कोई देखेगा तो आप दूर से ही नजर आएंगे कि आप राजयोगी हैं, तपस्वी हैं। सदैव ये लक्ष्य रखो, हमारी चलन से किसी को भी दुख ना हो। मेरी चलन से, वाणी से, संकल्पों से मैं सबको सुख दूं। ये ब्राह्मण कुल की रीति, यही रीति संस्कार मिलाने के लिए विशेष है। मुझे सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर हम सबको सुख देंगे तो सुख प्राप्त होगा। मेरे बोल से किसी को दुख ना पहुँचे। किसी के लिए मन में ये सोचना ये बदल ही नहीं सकता, ये भी श्रापित करना है। कोई कैसा भी है सब बदल जाएंगे। एक सेकंड में भी किसी का परिवर्तन हो सकता है, बशर्ते कि आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। संकल्प, बोल, कर्म सबसे सुख पहुंचाना है। हमारे बोल से किसी को दुख पहुंचता है ये भी हिंसा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब कुछ सेकंड सोच लेंगे, आज बाबा ने हमें गोल्डन थॉट कौन सा दिया। कोई कैसा भी है, स्वमान में रह के मान देते चलो। संस्कार मिलाने के लिए सरलता को धारण करो। कोई कैसा भी है उन्हें अंडरस्टैंड किया जाए। आज का वरदान, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हरेक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हरेक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना, हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सबके प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना। हर एक को ही विशेष बनाने की कल्याण की कामना रखना, ये ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ी हुई चीज़ को कभी भी स्वयं में धारण नहीं करती हैं। ईश्वरीय रॉयल्टी क्या है? कोई चीज़ कोई दूसरी आत्मा छोड़ रही है, कोई अवगुण वो छोड़ रही है, उसे वो स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे, किसी की कमजोरी या अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रहे। किसी की कमी कमजोरी देखने का नेत्र सदा बंद रहे। एक दो के गुणों का गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों के लेन देन करो। एक दो के गुणों का गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों के लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सरल शब्दों में, पुण्य आत्मा बनने के लिए हमें किसी के भी अवगुण नहीं देखने, बल्कि जो जैसा है उन्हें स्वीकार करते हुए स्नेह सहयोग के पुष्पों की वर्षा करते रहना है। स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदानों की जो शक्ति है उन्हें हम यूज़ करेंगे तो कोई भी परिस्थिति वो भी पानी बन जाती है। ओम शांति। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष रूप से विश्व की दुखी अशांत आत्माओं के लिए योग का सहयोग देने का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम ज्ञानमोती चैनल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि 21 जून साय 6:30 से 7 बजे तक आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। इसके लिए आपको टाइप करना होगा ज्ञानमोती लाइव योगा। ओम शांति।